अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आप लोगों के 10th क्लास के दरक्षा का बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है रेया, इस चैप्टर के ऑल क्वेश्चन आंसर को। हालांकि इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इस चैप्टर का क्या होगा, क्वेश्चन आंसर होगा। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड दिया गया है उन सभी क्वेश्चन आंसर को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो रेया नाम का चैप्टर है इसके लिखने वाले यानी कि मुसन्निफ कौन है, सरसैयद अहमद खां, ठीक है। तो अब बढ़िए क्वेश्चन आंसर की तरफ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए, हाँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोगों का सवाल स्टार्ट होता है मुख्तसिर तरीन सवालात से, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न से। जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि सरसैयद की पैदाइश कब हुई, यानी कि सरसैयद अहमद खां कब पैदा हुए, ठीक है। तो जवाब देखिए, 1817 ईस्वी में सरसैयद की पैदाइश हुई। 1817 ईस्वी में क्या हुआ, सरसैयद अहमद खां पैदा हुए थे, ठीक है। दूसरा सवाल है, सरसैयद के वालिदा का नाम क्या था, यानी कि सरसैयद अहमद खां के माँ का नाम क्या था, उनकी माता का क्या नाम था। तो उनकी वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था। तो ये हो गया जवाब। तीसरा सवाल है, सरसैयद की वफ़ात कब हुई, यानी कि सरसैयद अहमद खां की मौत कब हुई, उनका इंतकाल कब हुआ। तो वो हुआ था 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में सरसैयद की वफ़ात हुई। ये हो गया जवाब, ठीक है। सवाल नंबर 4 है कि सरसैयद का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है, यानी कि सरसैयद अहमद खां का कौन सा ऐसे मज़मून का मतलब क्या होता है, ऐसे निबंध, ठीक है। तो कौन सा निबंध आप लोगों के बुक में है उर्दू के, तो यहाँ पर जवाब देखिए, रया। रया नाम का मज़मून जो कि सरसैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया है वो आप लोगों के बुक में दिया है, तो ठीक है। तो ये हो गया जवाब इसका। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है मुख्तसर सवालात, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें आप लोगों को 4-5 सेंटेंस में लिखना होता है। इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि सरसैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए, यानी कि सरसैयद अहमद खां के ज़िंदगी के बारे में 5 सेंटेंस में लिखना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से जवाब स्टार्ट है। सरसैयद अहमद खां की शख्सियत को हिंदुस्तान में तारीखी हैसियत हासिल है। देख रहे कितना अच्छे तरीके से लफ्ज़ों को सजाकर लिखा गया है कि सरसैयद अहमद खां जो है उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी यानी कि उनका व्यक्तित्व हिंदुस्तान में तारीखी हैसियत हासिल है, ठीक है। उनकी पैदाइश दिल्ली, आगे मैं पढ़ती हूँ, एक मिनट, उनकी पैदाइश दिल्ली के एक तालीम याफ्ता घराने में 1817 ईस्वी में हुई, ठीक है। यहाँ पर उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया जा रहा है कि सरसैयद अहमद खां की पैदाइश दिल्ली के एक तालीम याफ्ता यानी कि एक घराने में हुई जिसमें सभी लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है, और 1817 ईस्वी में हुई। उनके वालिद का नाम मेर मुतकी था और वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, यानी कि उनके पिताजी का इंतकाल क्या हो गया था, बचपन में ही हो गया था। सरसैयद के मोरस शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान आए और मुगलिया दरबार में बड़े अहदों पर फाइज हो गए, ठीक है। सरसैयद के वालिदा एक जी शऊर खातून थी। सरसैयद की तालीम व तरबियत और जहन शाजी में उनकी वालिदा का बहुत बड़ा रोल था। सरसैयद ने तालीम से फरागत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाज़मत इख्तियार कर ली। मुलाज़मत से सबकदोसी के बाद सरसैयद ने मुसलमानों की तालीम के लिए अलीगढ़ में एमए कॉलेज खोला, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हो गया। यहाँ पर क्या बताया गया है, सरसैयद अहमद खां के ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि उनके जो वालिद थे, पिताजी थे, उनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था, और फिर सरसैयद अहमद खां मुगलिया दरबार में एक बड़े पोस्ट पर वो थे, मुगलिया दरबार में जब मुग़लों का शासन था, ठीक है। और उनकी जो वालिदा थी उनका मतलब तालीम व तरबियत सरसैयद अहमद खां को देने में बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। और सरसैयद अहमद खां पढ़ाई पूरी कर ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाज़मत की, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने जॉब किया, ठीक है। और जॉब से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने मुसलमानों की तालीम यानी कि शिक्षा देने के लिए अलीगढ़ में एमए कॉलेज खोला, और वो एमए कॉलेज जो था वो आगे चलकर उसको कौन सा नाम दे दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम दे दिया गया, उसी नाम से वो मशहूर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है कि दर्ज ज़ेल अल्फाज़ों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स ज़ाहिर हो जाए। देखिए, यहाँ पर कुछ लफ्ज़ों को दिया गया है और इन लफ्ज़ों का आप लोगों को क्या करना है, जिन्स ज़ाहिर करना है। ये उर्दू ग्रामर का टॉपिक है जिसमें आप लोगों को बताना है कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जवाब भी दे दिया है, यहाँ पर मोती का जिन्स ज़ाहिर करना है, मोती को बताना है कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, यानी कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ कर दिया गया है, मोती चमकीला है,
मोती चमकीला है, यानी कि ये क्या है, पुरुलिंग है। यहाँ तक ये भी होता है कि मोती चमकीली है, ऐसे थोड़ा ना होता है, मोती चमकीला है, ठीक है। दूसरा है किताब, किताब मेरी किताब गुम हो गई, ठीक है, मेरी किताब गुम हो गई, किताब क्या हो गया, मुअन्नस हो गया। वक्त, वक्त की बात की जाए तो वो मेरा काम का वक्त हो गया है, ठीक है। तो वक्त जो है वो एक मुज़क्कर है, ठीक है। नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर नाम भी मुज़क्कर है, यानी कि पुरुलिंग है। और कलम की बात की जाए तो कलम, मेरा कलम लाओ, यानी कि जो है ना कलम, वो भी क्या है, मुज़क्कर है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ये तो उर्दू ग्रामर का टॉपिक था, या नहीं भी दिया रहता जवाब तो आप लोग खुद से बना लेते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ जिंस जाहिर कर देना है, बता देना है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुरुलिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा सवाल देखिए, मज़मून के बारे में 5 जुमले लिखिए, ठीक है। यहाँ पर मज़मून यानी कि ऐसे किसे कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो जवाब देखिए, यहाँ पर मज़मून नसर की एक किस्म है। उर्दू में मज़मून निगारी की रिवायत सरसैयद से शुरू है। मज़मून में किसी ख़ास मौजू पर सेर हासिल बहस किया जाता है। मज़मून मुख्तसर भी होता है और तवील भी होता है। ज़रूरत और हालात के मुताबिक मज़मून लिखा जाता है। मज़मून निगारी में काफ़ी वसात और तनु है। मज़ामीन मुख्तलिफ नौईद के हो सकते हैं, जैसे इल्मी मज़ामीन, साइंसी मज़ामीन, मज़हबी, अख़लाक़ी और इस्लाही और सियासी मज़ामीन वगैरह। मज़मून निगारी में काफ़ी आज़ादी और कसादगी होती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मज़मून के बारे में बताया गया है कि मज़मून किसे कहते हैं। तो मज़मून जो है ना, वो किसी भी टॉपिक पर उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी दे देना ही मज़मून कहलाता है। जैसे कि ऐसे निबंध कहलाता है, आप लोग बचपन में गाय भैंस पर लिखते होंगे, गाय भैंस पर, तो जो गाय भैंस पर लिखते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं ना, गाय के बारे में पूरे सेर हासिल बहस की जाती है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है। अब जो मज़मून होता है वो मज़मून साइंसी मज़मून भी हो सकता है, मज़हबी भी हो सकता है, इखलाकी भी हो सकता है, ठीक है, हर तरह का मज़मून हो सकता है। और मज़मून को मैं और डिटेल्स में बताई हूँ जब मैं इस चैप्टर रया नाम के चैप्टर को पढ़ा रही थी तब, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में है, उर्दू दरख्सा 10 के नाम से प्लेलिस्ट सेव है, हर एक चीज़ मैं वहाँ पर बता दी हूँ, ठीक। हाँ, तो अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है तवील सवालात, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें आप लोगों को लंबा लंबा आंसर लिखना होता है। इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि सर सैयद की अदबी खिदमात पर एक मज़मून लिखिए, यानी कि सर सैयद अहमद ख़ां के अदबी खिदमात यानी कि लिटरेरी सर्विसेज पर एक निबंध यानी कि मज़मून लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा वो बहुत ही लंबा चौड़ा होगा, जवाब जो होगा वो कम से कम 2 पेज का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब सर सैयद अहमद ख़ां के लिटरेरी सर्विसेज अदबी खिदमात पर मज़मून लिखा जा रहा है, ठीक है, यानी कि वो कैसे लोगों की खिदमत किए, अदबी खिदमात किए, उस पर एक मज़मून लिखा जाएगा, ठीक है, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो लंबा चौड़ा होगा। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए, जदीद उर्दू नसर के इर्तकाए की तारीख में सर सैयद की खदमात नाकाबिल फरामोश हैं, बल्कि सर सैयद अहमद ख़ां की नसरी खदमात के पेश नज़र उन्हें बाबाए उर्दू नसर भी कहा जा सकता है। उलूम मरूज़ा के तहसील से फारिग होने के बाद सर सैयद अहमद ख़ां ने अंग्रेज़ों की मुलाजमत के दौरान ही 1862 में गाज़ीपुर में इंजमन साइंटिफिक सोसाइटी कायम किया, ठीक है। फिर जदीद तर्ज तालीम का जायज़ा लेने के लिए सर सैयद ने लंदन का सफ़र किया और वापसी के बाद अलीगढ़ में रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया, ठीक है। उस वक्त तक एक इल्मी माहौल कायम हो चुका था, इसलिए एक मिनट आगे मैं पढ़ती हूँ, तहजीबुल अखलाक जारी किया, ठीक है, एक रिसाला, और उसके बाद देखिए, इसलिए आगे देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ से इसलिए 1877 ईस्वी में अलीगढ़ में ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, ठीक है, जो बाद में तरक्की करके सर सैयद के वफ़ात के बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो सर सैयद अहमद ख़ां थे वो लंदन का सफ़र किया और वहाँ से आने के बाद उन्होंने एक रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया और उसके बाद से लोगों के बीच इल्मी माहौल कायम हो चुका था, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉलेज खोला 1877 ईस्वी में, यहाँ पर देखिए 1877 ईस्वी में उन्होंने एक कॉलेज खोला जिसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जो बाद में सर सैयद के मौत के बाद उसका नाम चेंज हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से वो मशहूर हो गया,
ठीक है, जो कि 1920 में हुआ। ये देखिए मैं आगे भी पढ़ती हूँ कि सर सैयद ने कौम के इस्लाह के लिए ज़बान और कलम दोनों का इस्तेमाल किया। चुनांचे जहाँ एक तरफ उन्होंने अपनी पर असर तकरीरों से इस्लाही और तालीमी कारनामे इंजाम दिए, तो दूसरी तरफ कलमी खिदमत को भी जारी रखा और तसनीफ़ व तालीफ़ में मुसलसल मसरूफ़ रहे और कई यादगार किताबें लिखे। चुनांचे सर सैयद की अहम तरीन तसानीफ में खुतबात अहमदिया और इसबाब बगावत हिंद और असारुल सनादीद हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई अहम तारीखी किताबों को तरतीब दिया और रिसाला तहजीबुल अखलाक में कसरत से इस्लाही मजामीन लिखने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर सर सैयद अहमद खां के लिटरेरी सर्विसेज के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या क्या किए, ठीक है, लोगों को कैसे अदबी खदमात पेश किए। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने कॉलेज खोला, फिर उन्होंने कई किताबें भी लिखी, उनकी तसनीफ़ का नाम भी दिया है ये खुतबात अहमदिया और असबाब बगावत हिंद असरुल सनादीद। ठीक है, ये सब क्या है, उनकी तसानीफ़ है। आगे बढ़िए, उर्दू नसर की इस्लाह और उसमें सलासत व रवानी पैदा करने के लिए सर सैयद ने अदबियों की एक जमात तैयार कर ली। चुनांचा उनकी रफ़काए कारहाली सबली डिप्टी नज़ीर अहमद और जकाउल्ला वगैरह ने उर्दू नज़ीर नसर में मुख्तसर और सादा नवेसी के रिजहान को फ़रोग दिया। इस तरह सर सैयद ने मुख्तलिफ जहात से अदबी खदमात अंजाम दिए। उन्होंने उर्दू की नई इल्मी नसर की बुनियाद डालने के साथ मुख्तसर नवेसी की रिवायत को फ़रोग दिया, जिसके तहत तवील तहरीरों के बजाय मुख्तसर में काम की किताबें लिखने का फ़न सर सैयद ने आम किया। उनकी शख्सियत की तरह उनकी नसर भी बावक़ार है। रिसाला तहजीबुल अखलाक में उसी नौईद के इल्मी मजामीन शाई होते थे जिसका ताल्लुक आम तौर से इल्म अदब और समाज से होता था। एक अजीम मसला और साहब तर्ज अदीब की हैसियत से सर सैयद की अदबी खदमात हमेशा यादगार रखी जाएगी, हमेशा याद रखी जाएगी। ठीक है, तो उनकी अदबी खिदमात हम लोगों को हमेशा याद रहेगी क्योंकि उन्हीं के वजह से हम लोग उर्दू बोलना और लिखना सीख पाए हैं, सर सैयद अहमद खां की वजह से ही। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल है कि ज़ेर निसाब मज़मून रया का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। ठीक है, जो आप लोग के बुक में मज़मून दिया गया है निबंध रया नाम का, ठीक है, इस रया नाम का जो मज़मून है इस पर आप लोगों को क्या करना है, एक मिनट, मरकज़ी ख्याल पेश करना है कि आप लोगों को इसको पढ़ने के बाद क्या ख्याल आया, इसका थीम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जवाब लिखा है, निसाब में शामिल मज़मून रया सर सैयद अहमद खां का एक इस्लाही किस्म का मज़मून है जिसमें मज़मून निगार ने रया की हकीकत और उसकी नुकसानात के बारे में तफसील से रोशनी डाला है। चुनांचे उन्होंने रया के मफहूम को वाजी करने के लिए कहा है कि रया का मतलब सिर्फ दिखावा ही नहीं है और ना ही उसका ताल्लुक इंसान के ज़ाहरी अमल और रदमल से हैं, बल्कि इंसान की दाखिली शख्सियत में जो शकूक व शुबहात और गलत फहमियाँ पाई जाती हैं उसी दाखिली कैफियात को दरअसल रया कहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी अच्छे खासे इंसान को कोई दोस्त झूठी तारीफ करके रया में मुब्तला कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर रया का थीम बताया जा रहा है, हर एक एक लंबा चौड़ा लिखा है, आप लोग इसको काट छाट कर छोटा भी कर अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे मैं पढ़ती हूँ, यहाँ तक पढ़ी थी, रया में मुब्तला कर देता है और कभी ऐसा भी होता है कि कोई दुश्मन की किसी इंसान की खूबियों को ऐब बनाकर पेश करता है और उसे एक जहनी कर्ब में मुब्तला कर देता है। नतीजा यह होता है कि अच्छा खासा इंसान बेएतमादी का शिकार होकर अच्छे कामों को की अंजाम दही से महरूम हो जाता है। रया की एक ऐसी जहनी बीमारी है कि जब यह किसी की शख्सियत में दाखिल हो जाती है तो उसके तमाम अच्छे अमाल को बेमकसद बना देती है और नेक व बद के तमीज़ को भी ख़त्म कर डालती है। ठीक है, जिसको ये रया नाम का बीमारी हो जाता है उसको नेकी और बदी में कुछ फ़र्क ही नहीं दिखाई देता, वो अपने मन का करता है, उसे जो अच्छा लगता है और वो गलत ही करता रहता है, हमेशा उसके अंदर हमेशा गलत सोच ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे मैं पढ़ती हूँ, रया के नतीजे में जब इंसान नफ्सियाती कसमकस का शिकार हो जाता है तो ऐसी सूरत में इंसान के दुश्मन व दोस्त की बेनस्बत कम नुकसानदह होते हैं। यह भी हकीकत है कि दुश्मन जब ऐब जोई करता है तो उस आगे मैं पढ़ती हूँ तो उस ऐब जोई करता है तो उस उससे हाँ
उससे बचने के लिए इंसान अपनी इसलाह कर सकता है, लेकिन दोस्त तो झूठी तारीफ करके सख्त मुगालते में डाल देता है। वो अपने दिखावे की दोस्ती का इजहार के लिए हमारे ऐसे गलत अमाल की तारीफ़ करता है जो हकीकत में बुरे होते हैं। नतीजा यह होता है कि हम रयाकारी और गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने रया की इस नफसियाती कश्मकश से बचने और दोस्त व दुश्मन के अलग अलग हथियारों से हिफाजत के लिए चंद ऐसे असूल वज़ा किए हैं जिन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी पर सुकून बना सकते हैं और अपनी शख्सियत को मुकम्मल भी बना सकते हैं। इंसानी दिल व दिमाग में बहुत से जज्बे और ख्यालात ऐसे भी होते हैं जो हमें अदल व इंसाफ से रोकते हैं। अच्छे कामों का दिल में लगन होने के बावजूद अगर हम तासुब का शिकार रहते हैं तो हमारी अंदरूनी शख्सियत में रयाकारी के जरासीम पैदा होने लगते हैं जो हमें रफ्तार रफ्तार इखलाकी सतह पर खोखला करते हैं। तो ये था आप लोगों का रेया नाम के चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर, जिसको आप लोग एक एक कर देख लिए और समझ भी गए। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास, अपने दोस्तों के पास। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।